Thank you.
बड़ा
पैदा हो जो शुरू हुई उसी काल के पहले जब उसे पार करना पड़ता है उसी तो पहले पार की जो पार करना पड़ता है अब तो अम्मा पाने तो उस अम्मे पाने की जो पहली सूरत है सूरह अम्मा मुतसाहरून सूरत इबा सूरत तो उसकी शुरुआत में अम्मा मुतसाहरून अम्मा जो लफ्ज अम्मा का आया तो उसी पाने को अम्मा के नाम से शुरू हुआ मगर हम अल्लाह है कि मत समझने क्योंकि उसी बारे में हमको सूरत पाक सूरत हम पारा को उसी सूरत को आदत मगर अब उसी प्रत्येक के साथ हमारे पढ़ने तो बच्चों को पढ़ाया जाता है पढ़ने को हमको पहले यही सूरत यही सूरत उनकी लोगों से पाएगा सूरत के नाम जब सूर्य का दिन होती है तो हम जान लिया बच्चे को कहते हैं कि आज उनका पाला हमारे लिए तो पाला हुआ तो मेरे कहने का मतलब है अम्मा अम्मा पाला हुआ उससे भी सूर्य पाला उसमें भी क्योंकि पाती है ऐसी चीज ऐसी सूरत है सूर्य पाला एक ऐसी सूरत है कि इसका पाला किसी पाले से नहीं है हर पारा इसी सूरत से पालो हर पारा इसी सूरत से पालन होता इसी और से इसका पालक नहीं है मगर हर पाया इसी से पालक तो कुरान की इब्तिदा जो है इब्तिदा जो है हर सूरत एक बार ना मगर ये सूरत दो बार कितने बार दो बार दो बार ना सब मतलब क्या है जबकि हर आया एक बार मगर ये दो बार ना तो हिम्मत क्योंकि ये सूरत है सात आयतों पर कितनी आयत सात सात ठीक है सात सात और ये सात आयतें जो सूरत पाक में और ये सात हुर्फों से बनी है जबकि पता चलता है कि अट्ठाईस हुर्फ है उनमें ये सूरत से मगर सात हुर्फों से बने इन सात आयतों में सात हुर्फ नहीं है तो 28 हुर्फों में जब सात हुर्फ उतर गए कितने हुए 21 21 तो ये 21 हुर्फ से ये सात आयतों वाली सूरत बनी है इसको नाम रखा फातिहा ये पहला नाम है फातिहा और दूसरा नाम है शिफा दूसरा नाम क्या है शिफा तीसरा नाम क्या है उम्मुल यानी किताब की असल एक नाम है एक कुल किताब क्या है इतना प्रसाद किया इतना प्रसाद ऐसे इसके
ये फीस ना सबसे आला नाम है पापी का पापी है कोई पिता तो पापी का कुल पिता को मान ले देखे पिता की पाप पिता का परिवार तो अर्थी है पापी का अब इस सूरत को कुरान में नहीं है तो कुरान कुरान क्योंकि पूरे कुरान अस्तित्व है यही सूरत क्योंकि जो सात आयतें सात आयतों के बयान है तो कुरान के दोनों है तो इसकी हकीकत तो इसके अंदर सात आयतें की है ये सारे का सारा यही तो है कि किसी को तसव्वुर करना है यही तो इन्हें तसव्वुर इसको खोला जाता है जैसे जैसे इसको खोलते जाए गए तो इसी तरह उसको आने लगता है बनता गया बनता वन मास अभी वन मास लेकर जमा होता 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 आया जैसे कहा पाकिस्तान है अगर कोई ये कह दे कि पाकिस्तान नहीं है तो उसके लिए कुरान की नहीं है उसके लिए कुरान की नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ही से तो कुरान वो नहीं कुरान की उसके लिए अब इस सूरत पाकिस्तान में कमाल भी हो जब हम पाकिस्तान में क्या है कमाल भी है कमाल भी इसी के लिए ये दो बार एक बार तो नाजिल हुई है ये सिर्फ से सिर्फ मुस्तफा के लिए पहली बात है इसी से सिर्फ मुस्तफा दूसरी बात जब नाजिल हुई है कि आमा उम्मत के समझ लो बात है और ये सिर्फ ये कि दो बात हो रही है एक बार नाजिल हुई बात है सिद्धि मर्दी है दो जगह पर कोई ये न कहे कि जो वकील है कोई ये भी न कहे कि पदवी है सिर्फ पदवी है मक्की नहीं सिर्फ मक्की जो पदवी है तो अल्लाह का बार बताता है इसी सूरत से मक्के को भी शर्त दिया मर गया क्योंकि पाते रहा अब कुरान मजीद क्या कर ये सब तो बस रुको प्रयासी यानी असी का तीन सूरत में मकी हूँ इकतीस सूरत में मकनी है तकरीबा इकतीस परे सूरत में मदनी है मदनी जो सूरत है मक्की नहीं कह सकते मक्की जो सूरत है मदनी नहीं कह सकते मक्की सूरतों के कुरान अलग है उसके मौजूद अलग है मदनी सूरतों के अलग है उसके मौजूद अलग है उसके अहकाम अलग है कि नहीं मगर एक फातिहा ऐसी है जो मक्के में भी है मदीने में भी है तो दो पहली बार उतारे हैं कैसी मक्के की और दूसरी बार उतारे हैं और इसीलिए तो जब पहली बार नसीब हुई तो हजरत इब्राहिम तो कुछ नहीं कर रहा जब दोबारा मानी हुई तो हमने देखे दिल में बचा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत के कुछ बचा रहा है अल्लाह ऐसी सूरत को नाज़िल किया ऐसी सूरत को नाज़िल किया आदत और तौबा के ज़बूर के हो इंजील में होगी कसम खुदा के सुबह पैगंबर का कोई ईसाई कोई यहूदी नहीं होता कोई ईसाई कोई यहूदी नहीं होता यह ऐसी सूरत क्या है ये सूरत शाफिया की है ताकिया की है
berdoa lagi ya. Pak lagi umur kita ini umur lebih ya, tapi ya kan disuruh atau kumpah untuk hadir ya. Imam Muzazbah kita berada memperkenalkan usul terhadap akhir yang umat ini meskipun umat ini ya esi surat akhir umat yang Mustafa esi surat akhir umat yang Mustafa kepada Sultan Hazar yang akan diberi ini ya surat akhir bahwa Tuhan ini menurut kulit misalnya kulit ini mengenai kota kulit misalnya kulit ini kota kota Allah ya mati mati ini Tuhan baik imam bias imam bias Allah itu maksudnya dia imam itu berapa sahabat kulit ini misalnya menurut orang ada orang yang dia suruh kulit अब ऐसी सुबह हमको मिली ऐसी सुबह हमको मिली जब हमको मिली तो अब इस सुबह का दर्शन हम हासिल करते हैं तो हमने ऐसा जज्बा अपनाया इस सुबह के साथ हमारे अमल हमारे किरदार हमारा ईमान किस तरह पढ़ना चाहिए अगर पहले ईमान को ईमान ना बना सकता है तो ईमान वालों क्या होगा मतलब सबसे अच्छी बात ये कि हम उसकी हकीकत नहीं जानते उसका फायदा नहीं होता जबकि इस सूरत हमारी तो बता है हदिया कोई हमको हदिया दे तोहफा दे इसकी पैकिंग वगैरह के पास बेहतर ये बात नहीं है हम उसे घर जाकर या कमरे में जाकर या तमाम उसको थोड़े भी तोहफा इसके अंदर क्या था देखते थे मगर अफसोस ये है तोहफा इमाम देने वाले ने दिया कि हमने उसको देखा ही नहीं कि उसके अंदर क्या है उसी की हैरत है देखे ही बगैर देखे बातें कर देते बगैर देखे यही वो सूरत है सरकार मौन सारी दस दिन का इंतजार करनी सिर्फ पांच बार कितने बार पांच बार पढ़ कर किसी के टूटे टूटे हाथ पर दम करते हैं टूटा हुआ हाथ सही वो सालिम जैसा कार्य था वो सब बचा रहा यही तो सुबह हमारे तुम्हारे कभी द्वारों से मिला सुनो के पास पांच के साथ पांच किसी शिवनी पर किसी शिवनी पर हम करके खाने से आपस के इख्तलाफ दूर होते हैं मुहब्बत अब हम ये सूरत एक बार अगर एक बार बार में पढ़ेंगे तो हमें फायदा तो सब नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि इसमें फायदा नहीं इसका मतलब ये है कि हमारी समाजों में तासीर नहीं है हमारे कल ऐसे नहीं है हमारे आमाम हमारी नीयतों में हो हमारी नजरों में हमारी समाज में हमारे अल्पाजों में हमारे प्यारों में और हम इस तरह बहक चुके थे इस तरह बहक चुके थे हर आंसू और अरमानों के कुआं को हमारे सामने मगर उसका फायदा हमको नहीं मिलता ये हमारी बदखाबारी की वजह से बदबूदारी की वजह से बदनसीबी की वजह से
کیونکہ قرآن کا ہر حرف کیا ہے اس میں اعظم کی برکت ہوتا ہے. ہر حرف اس میں اعظم کی برکت ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن میں ایسے تین پیدا ہوئے, قرآن میں ایسے تین پیدا ہوئے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو دل کا زن دور ہوتا ہے, اس کا ڈر ہوتا ہے, دل کا زن دور ہوتا ہے. دوسرا پیدا ہوتا ہے اللہ کا بات ہوتا ہے سے ہم کلام ہوتا ہے شک نہیں ہوتا اللہ سے قرآن کا پڑھنے سے پرتی ہم باتیں کرتے ہیں اس سے شک ہوتا ہے. اور تیسرا پیدا ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ہیں, ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ہیں, ہے نا؟ اسے پڑھنا نہیں آتا میرے رسول نے کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا تو انہوں نے لگ رہا ہے کہ نظر بہت اچھے سے نظر کرتے جاؤ تبھی پیدا نہیں ہو, سننے والوں کو بھی پیدا کرتے اور تحت تحت تیاری کر کے پڑھتے ہیں تو پڑھنا صحیح نہیں آتا, ان کو بھی زیادہ پیدا کرے کیونکہ انہوں نے اگر کیا ہے تحت تحت نہیں تو دقت ہوتی ہے, اس دقت کا فائدہ ملے گا. یہ تو قرآن کا اور یہ تو قرآن کی قسم کیا ہے شفا آج کے شفا سورت شفا شاہ کے. اب اس میں اس وقت یاد کرے صاحب اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا دور, اس دور میں کسی بیماری کے لیے وہ کسی دباؤ ہونے کے دستک نہیں دے دوا, ایسا نہیں کہ حکیم نہیں تھے, ایسا نہیں کہ طبیب نہیں تھے, مگر کسی مسجد میں کسی طبیب خانے میں دستک نہیں دے دو مگر کسی نے بلا کر دوسرا کہ بھائی بتاتے ہیں نہ لوگ بیمار نہیں ہوتے, نہ لوگ بیمار نہیں ہوتے, بتاتا اللہ کا اپنے رسول کے احکام سنت مصطفیٰ اگر کوئی قائم رکھے وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہو سکتا, جس کا دل زندہ ہوتا ہے اس کا جسم بیمار ہو نہیں سکتا. ہاں دل ہوتا ہے سنگھی بیمار, دل ہوتا ہے تو سنگھی بیمار, جس کا دل زندہ ہے کبھی بیمار ہو نہیں سکتا. مسئلہ کیونکہ وہ میں خوف ہو جاتا ہے, افواہ پر ہو جاتی ہے, عبادت کی پابندی کی سن و سلا سچائی کی صداقت کی رہن آپس میں محبت محبت مربت چھوٹوں کی شفقت بڑوں کے کا ادب ظاہر طور باقی ایک مگر ہمارے لکھا تو یہ تھے کرتے ہوئے لکھا یہ تھے مگر جو لکھا ہے وہ نہیں ہے, مگر ظاہر تو باقی الگ ہمارے خیالات میں ہمارے لباسوں میں وہ غلط ہے, اس لیے چاہیے ہم کھوکھلے کھاتے ہیں. اب کسی مصیبت میں مسلمانوں کو عام طور پر حالانکہ اسلام اور مسلمان مصیبتیں پریشانیاں ہوتی ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے.
इतनी परेशानी का मुसीबत आती है तो सबसे ज्यादा ईमान वालों का काफिरों में यहूदियों में ईसाइयों में इतनी परेशानियाँ मुसीबतें तंदुरुस्तियाँ नहीं आती या तो फिर एक इक्तिदार जितनी परेशानियाँ वो मुसीबतें वो खाते आ रहे हैं खाते रहे हैं ये सिर्फ से सिर्फ मुसलमान आपस आपस किया गया दौरे साहब सरकारी द्वारा से इलाज नाम से करके हयात के बाद जो लोग अपना मतलब साहब साहब नाम से जान पड़ा आप नहीं बच गई क्या नहीं था उनके पास सब कुछ था चैन था सुकून था रिश्तेदारी थी खानदान था कबीले थे ठीक है सब कुछ तजारत था बड़ी बुरी तजारत उम्र महाबारी सब मगर जब हजार साल खुदाओं की मुस्किस को छोड़कर एक नदी की आवास पर जो नैर कहते हुए सिर्फ एक खुदा की तरफ रुजू हो गए एक खुदा की तरफ रुजू हो गए मुसीबतें मुश्किलें परेशानियां तंदुरुस्तियां जुल्म सिफत सब के सब आ गए इसीलिए सरकार मौला ने जगह तला फरमा दिया इसी ने पूछा यार तो ये जा रहा है हक हक तो फरमा दिया हक वही जबकि तेरे हक नहीं पर आए रोज बाप जब तक तेरे दुश्मन नहीं बनते उससे हक जाते नहीं होगा अपने आप दिवाया तो ऐसे हो आया तेरे बीवी बच्चे माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार जब तेरे दुश्मन नहीं बन जाते हाँ अगर वो तेरे खिलाफ तो सबके तेरे दुश्मन तो जान जाते तू आपका समझ बस ये ईमान का बेहतरीन इसीलिए जब तक वहां एक खुदा की मुस्तिज नहीं आई थी सब कुछ था जब एक खुदा की मुस्तिज आ गई हक आ गया तो अपने बड़ाई गुरु सहबा बाप भाई बहन रिश्तेदार ये सब सब दुश्मन और ऐसे दुश्मन बन गए कि उनको सताने में बुलाने में जुल्म उठाने में हर तरह से सताए मगर मेहरबान कमजोर नहीं हो बेईमान कमजोर नहीं हो फिर बात जो पहले हम पाए उन पर जुलूम होता था सिफत होता था खाने पीने से देन देन से रोक दिया गया था तंदुरुस्ती मजबूर भूख प्यास शिकत से इतनी बढ़ गई थी कि हर दुश्मन खुद उनकी आंखों के सामने भूख की वजह से कमजोर और बूढ़े माँ बाप मर जाते थे मासूम नौजवान बच्चे मर जाते थे मगर उन्होंने न सबक का दामन छोड़ा
कोई सुकून से आए थे, न कोई ऐसा आराम कर रुजू हो, न इस्लाम से ईमान से पड़ा सबको कबूल कह रहे थे एक नदी से देखते थे ऐसा कह रहे थे हर सुख से कोई मुसीबत की परेशानी है दबाई जबकि वो कायदे की बात में जबकि वो आदमी के हंसते हैं अब उनकी क्या कथा उनकी क्या कथा यही कि वो एक खुदा को मानना एक रसूल की बात को मानना उसी के प्रति दूसरी रतु व सबूत करना इंसान के बनाए हुए हजार हाथ खुदाओं को छोड़ देना यही खतरा होती है सच्चाई सफाकत का साथ देना वफादारी करना सिला रखनी करना और हर वक्त अपार पूरी रखा से किनारा पेश करना अच्छाई को नेकियों को पाना खैरा करना सत्ता करना एहसार करना एक दूसरे से मेल जो मिला कर मोहब्बत करना क्या ये कथा झूठ से उठना झूठ से रोकना पाशा पद से बचना शराबखोरी से बचना क्या ये कथा अच्छा ही तेरा है साथी तो करनी है और सच्चाई सलाखत के रास्ते पर आई रहेगा उनकी नजर में बुरा उनकी नजर में बुरा वो कौन है जो बेईमान है उनके बनाए हुए खुदाओं की कुर्सी छोड़ देना उनके लिए बुरा एक फख्र था एक घमंड था इसलिए वो नहीं चाहते थे कि हमारे बनाए हुए खुदा को छोड़ कर हम देखे खुदा के नबी के बनाए हुए खुदा को क्यों कोशिश करते क्योंकि नबी का खुदा किसी का बनाया हुआ नहीं नबी का जो खुदा किसी का बनाया हुआ नहीं था नबी का जो खुदा है नबी का फरमाया हुआ है बनाए हुए फरमाए हुए इस बहुत बड़ा यहाँ बनाए गए यहाँ फरमाया यहाँ जालिम झूठे मक्का हर खता की जड़ हर दो दबाव हर आशी को आशी हर मकान जिनके हाथों से बना है यहाँ आमीन सादिकुल अमीन रहमतुल्लाह अमीन सिराजुल सालिक जिनकी वफादारी का जिनकी सच्चाई का और उनकी अमानत दारी की गवाही मुसलमान को मुसलमान सारी काफर भी देता है हर यहूदी और ईसाई भी देते हैं तो ऐसा भी अपनी जुबान ने अतः से कमाया खुदा जुबान ने अतः से कमाया खुदा तो वही खुदा ये हमारा खुदा नबी की सुबह से फरमाया हुआ अच्छी तरह याद रखना फरमाया हुआ है तो हमारे नबी की सुबह से फरमाया हुआ वो हमको दिखता नहीं हमको दिखता नहीं है अब दिखता नहीं है तो कैसे मानो कैसे मानो तो यही है
इरादा है, यही मोहब्बत है और यही ईमान है। नबी की जुबान से तो फरमाया गया है कि अल्लाह देख है, उसको देखने की जरूरत नहीं है, उसको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिर्फ नबी के फरमाए हुए को मानने की जरूरत है, सिर्फ मानने की जरूरत। वो भी कलमाए मुस्तफा, किसको? जब कलमाए मुस्तफा को मान कर ताकि कोशिश शुरू हो गई थी, जब कलमा मुस्तफा का मान गए तो मुस्तफा को कितना माना, ये तो कलमा है, उसे कलमे में इतनी ताकत है, इतना असर है, इतनी कुव्वत है कलमे की, और इतनी फजीलत है, इतना बुलंद वाला है कि वो कलमा खुदा बन गया, कलमा खुदा बन गया तो जाते उसको किसी को समझ नहीं पाते, किसी को समझ नहीं पाते। तो ये भी सुने कि आप लोगों ने जाने सुने होंगे ना, कलमा मुस्तफा समझ में आया, जब खुदा ईमान आ गए तो हमारे ईमान का जो सबसे पहला जुज है, सबसे पहला जुज है वो है मुस्तफा, और ईमान का दूसरा जुज है वो है अगर मुस्तफा को नहीं मानते, कल भाई मुस्तफा नहीं मानते तो खुदा किसका, समझ में? इसके अंदर एक और बारी की बात है कि वहां गुफा देते हैं, दुश्मन भी देते गुफा, ठीक है, वो मुस्तफा को मानते थे, सने को नहीं मानते, याद रखो मान मगर मुस्तफा के कलाम को नहीं मानते, अभी को मानते मगर उनकी बातों को नहीं मानते, उनकी बातों को नहीं मानते, समझ में? नबी को पास मानते थे, नबी की बातों को नहीं मानते, नबी सच्चा है, हाँ सच्चा है मगर तलाक नहीं पाते, मगर ऐसा मुसलमान को पहले नबी की तलाकों को नबी को मानना, नबी नबी के साथ नबी की तलाक को भी मानना, उसी का नाम ईमान, नबी को मान गया मुसलमान हो गया, कलाम को मान गया मुमिन हो गया, कलाम को मान गया मोमिन हो गया, नबी को मान गया इस्लाम मुसलमान हो गया, और नबी की कलाम को मान गया मोमिन हो गया। अब जो व्यक्ति ने फरमान किया उनका फरमान नहीं हुआ ये दिखता था, मगर कोशिश उसी उसके सिवा कोई माबूद, कोई माबूद नहीं, इंशाल्लाह तआला बता रहा। इस कलमे के साथ अकीम नशीस में इसके इसका रास खोल, इसके जो असल में है इंशाल्लाह तआला बता रहा, सब खुलासा करो इंशाल्लाह। अकीम नशीस अब तो सिर्फ मुझे यही समझ रहा, अब वो नबी है जब कह दिया तो उनका फरमान हुआ, उनका फरमान क्या है, जब उनका फरमान हुआ दिखता नहीं, जो दिखता नहीं है वो गायब, जो दिखता नहीं वो जारे गए, जो दिखता नहीं है वो गायब।
चलो थोड़ी देर के लिए मान रहे कि वो पिता नहीं है, हमने से किसी ने उसको देखा ना, तो मतलब वो हमसे अब वो गायब है, कैसे है, कहाँ है, कैसे है, कहाँ है, उसका रंग गंग रूप क्या है, तो कहते हैं मालूम है, समझ में आई है, मालूम जो है। अब नबी ने कह दिया अल्लाह के अच्छी तरह याद रखें हमारे नबी को पाया अल्लाह ने, ये नहीं तो हमारे रब ये रब ये इनका रब सिद्ध जात अल्लाह है। जब रब की बात है कुरान को फरमाता है يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي बदला पड़ा है
کہ دبئی کو کسی نے دیکھا اب جو کوئی ظاہر ہے یا رائے ظاہر ہے یا رائے ہے یقینا بتانے والا ایک بھائی بتا رہے ہیں بتانا نہیں ہے جسے چاہے وہ بولے گا جسے چاہے وہ جو دیتا ارے دینے گھر کی بات اگر بتا دیتا تیرے جان تن کنیوں کو بھی کن دیتا کرے اب پتہ نہیں چلتا جانا نہیں دیا اب دل میں کیا کریں گے چھپے ہوئے چھپے ہوئے اب اللہ چاہتا ہے کہ ان میں بیٹھ رہے ہیں چھپا ہوا دن جو ہے یہ اس بے جان کنکریوں کی ایسا ہے اب وہ بے جان کنکریاں کیا ہیں اپنی دیہ کی مٹھی میں مٹھی کے اندر بند ہے اب مٹھی کے بند کیا ہے وہ کنکریوں کو نہیں معلوم بند ہے تو اندر کہتے ہیں باہر کا جو بھی ہے وہ ہے نہیں بس مٹھی مٹھی بند ہے مگر اندر کیا ہے کنکریاں اب کنکریاں جان آ رہا ہے بے جان ہے بے جان نہیں ہے تو بے جان میں جان کیسے ہے بے جان میں جان کیسے ہے ابو جہل کے مٹھی کا کمال ہے مٹھی ہے نا ابو جہل کی مٹھی کا کمال ہے یہ مصطفیٰ کے کمال ہے بہانے اب وہ بند کنکریاں ہیں بند مٹھی ہیں اب اس نے کہا کہ رحمان کیا ہے اس میں اب جو اندر ہے پیار قسم کی نظروں سے بیٹھ لیتے ہیں چھپے کے جو اندر ہے چھپے گا اب چھپے ہوئے اگر سکیم میں ہے مصطفیٰ تو نہیں ہوتا کیونکہ اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ جبریل نے آ کر اب یہاں جبریل ہے یہاں جبریل بھی نہیں اس نے کہا اس میں کیا ہے اس کا سوال تھا کیا تھا اس کا سوال تھا اس میں کیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت مٹھی پر پڑی سبحان اللہ اس پر پڑی مٹھی پر پڑی مٹھی پر پڑی اب پیارے رسول چاہتے ہیں تو فرما دیتے اے ابو جہل تیری مٹھی میں کیا ہے پتھر کاغذ تو ہے وہ تو نہیں ہے وہ تو ماں ادب سے بولنے کی بات کرو یہ بھی اعتراض کرتے ہیں تو کیا ہے یہ بھی وہ کون سی بڑی بات ہے آج کا ڈاکٹر بھی بول دیتا ہے ساتھ سب بھی بول دیتے ہیں تو کی میں کیا اعتراض کر سکتے ہیں مگر اس کی حکمت کا تو بڑا صبح ہے قیامت تک اللہ نے اس سوال کسی کو بھی ایسا جہاں پہلے رسول میں بتاؤں کہ اس تیری مٹھی میں کیا ہے میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں تو یہ نقطہ اس لیے لا رہا ہوں کہ سمجھے کہ میں رہ کے آتا ہوں اب محبت مٹھی میں کیا ہے یہ تو آسان ہے بتاؤں یہ تو آسان مگر یہ دن کہاں سے لاؤ جو بند مٹھی میں تھے وہ بتا دے کہ سامنے والا کون ہے اب سامنے والا کون ہے اس کو دیکھنا ہے جاننا ہے اس کی صفت کیا ہے اس کا منصب کیا ہے اس کا عہدہ کیا ہے اس کا علم کیا ہے اس کی شخصیت کیا ہے وہ کون ہے اس کا نام کیا ہے جاننا کے لیے جانا آپ یہاں انسان ہیں جان والے ہیں پچپا
بچپن سے دیکھ دیکھ بکھاتے آ رہے ہیں, نام بھی جاتے ہیں, قبیلہ جاتے ہیں, آنا جاتے ہیں, رشتہ جاتے ہیں اور ان کے اقوال و اقوال جانتے ہیں, سب کو جاننے والے ہیں, رشتے دار ہیں, اپنے ہمراہ ہیں, سب کچھ کہنا جانتے تو نہیں رہتے اور ان کو معلوم ہو کہ مطلب کون ہو, معلوم ہے سب کچھ معلوم, سب کچھ سوال کس لیے کیا کہ میری بچی میں کیا ہے تو پیارے رسول کا فرمایا کہ وہ کہہ دیتے ہیں کون, اگر تو رسول کہا دے تو یہ بھی کہہ دیتے کہ اے مجھے تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں, سمجھ سکتے ہیں یہیں سے حقانیت کی آواز بلند ہو, یہیں سے حقانیت کی آواز بلند ہو, بلند ہو کہا کہ اے بھائی بولے تین مٹھی میں جو اگر وہ بتا دے تو وہ اور بھی تاکہ وہ خود ہاں میری مٹھی میں وہ بتا دے آپ کو دونوں مگر یہ موجزہ ہمارے لیے
अध्ययन को कहते हैं मौजूदा क्या है हमारा नहीं है अबू जहल सारी बेईमान काफर फासिक फाजिर है चोर जगह पर बेर रहे संग ने कुफर में मारा सितम खान है उसी की कोठी बंद है जकड़ लिया गया कंकरों और कंकर मजबूर थे बहुत आज बंद कोठी में मगर जब बात आकान की आ गई जब रसूल अल्लाह की आ गई उसी जोर को जफा और जालिम और काफर और बेईमान और जालिम की बंद कोठी से पुकार उठा पड़ता कि अल्लाह ये देते वाकई ये अल्लाह का रसूल कहाँ हो रहा है ना उसकी बंद मुट्ठी की झकड़ से लगा ना उस काफर के जोर और सितम से या सितमगर से या जाए जब उस बंद मुट्ठी में रहने वाला एक पत्ता जज्बे ईमान पर अल्लाह और उसके रसूल की गवाह दे सकता तो आज हिंदुस्तान में मुसलमान अब हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत मुसलमानों पर जो जोर दफा हो रहा सितम हो रहा है यूं समझे वो पत्थर बंद मुट्ठी में हम बंद हिंदुस्तान में यही हिंदुस्तान के अंदर किसी तरह का उस पत्थरों की तरह बंद मुट्ठी की तरह हर जुल्म को सहे हर जुल्म को सहे हर सितम को सहे और बंद मुट्ठी की तरह जकड़ भी लिया जाए लेकिन आज जब हमारे भगवान की आई अल्लाह की आई हमारे रसूल की आई तो हम बंद मुट्ठी से ही अलग ऐलान खुदा होते हैं कि हमारा खुदा ये हमारा रसूल जब वो पत्थर पुकार सकते हैं तो ईमान रखने वाला मुसलमान ऐसे कितने जुल्म कितनी जफाएं डाल के जाकर होंगे ईमान के सामने क्योंकि हर मुसीबत और परेशानी से ईमान का रोकने को बस समझ में आता है मैं क्या कह रहा हूँ अब रहा सवाल ये बंद मुट्ठी में पत्थर कैसे जाता है ये नजर है क्या थी ये नजर रहमत थी नजर ये तीन में पाती थी तीन में पाती थी इतने जाहिर का ही अंदाजा नहीं लगा सकते तीन में पाती क्या पता क्या होता वो नजर बेजान कभी उठना जान ही नहीं उस बेजान जान भी आती है जान के साथ जुबान भी आती है जुबान के साथ पहचान भी आती है आपको बहन भी आती एक रात सिर्फ जान ही नहीं ऐसा आ गया हमारा अब नबी ने कहा पत्थर नहीं दबाया ये रसूल अल्लाह इसी तरह हर तरफ गवाह हर मैदान पर बेसमझ होते हैं अंजाम दरिंदों से दरिंदों से चरिंदों से वरना परिंदों से हर एक सिर्फ गवाही नहीं देते इसे आपको इसको शेख कंप्यूटर के पर्द लगाने वाले तो आपको सिया था वो कदमों के सर में भी सुधर देते थे सजदे में भी जाते थे इसमें सजदे में भी जाते थे सजदे में भी जाते थे ऐसे क्या उम्मीद देखा वो जानवरों ने वो कौन सा इन लोगों को उन जानवरों को
اللہ
ये उसका नाम लेने वाला मिल जाए, उसका नाम लेने वाला मिल जाए, जमीन भी मिले आसमान मिले, गरीब और गरीब सभी को तस्वीर मिले, सत्रों का जल मिले, बैठे बल मिले, जहाँ वो सूरत मिले सब सब मजमू सब मिले, सब कुछ को लोग हमारे नाम में सबके सब होते जा रहे हैं, कोई नहीं रहे खतरा में है खतरा, सब खत्म हो जाए खत्म हो जाएंगे। अब उसका नाम लेने वाला कौन, जो खत्म होना है उसका नाम लेने वाला खत्म हो गया ना, मगर तो बात रहेगी जितने मुस्तफा पाए मुस्तफा पाए, क्यों कि जितने मुस्तफा करने वाला अल्लाह ही वो कहे सब मिट जाएंगे, वही होगा वह होगा जो उधर चला रहा है उसकी जात, अब जब तक उसकी जात रहेगी जिक्र मुस्तफा रहेगा, यामत में सब बना होगा पर नाम मुस्तफा उधर तो होगा तो किसी हमको दिखता नहीं, हमको दिखता तो फिर एक ऊपर प्यारे रसूल एक जानते हो देखे हो तभी तो फरमाया कि अगर नहीं देखा होता नहीं जाना तो ये खुदा की बात क्यों है, जो कि हजारा खुदा यहाँ हजारों खुदा है एक खुदा है। चलिए हाँ जिब्राइल ने बताया एक खुदा, अगर जिब्राइल ने कह देता एक खुदा है तो पुराने मजीद के अंदर किसी जगह के लिए नहीं लिखे जिब्राइल ने कहा है ये खुदा है, इब्राहिम नबी बन जाता इब्राहिम रसूल बन जाता, इब्राहिम का काम बस एक पैगाम लाना है पहुंचाना है। चलिए ये बात उनकी जान जान कि ये खुदा है तो कुरान मजीद की पांच आयत होती है ये पावर इस नरक की कल कर लिया था या इसमें ये खुदा का सबक पर वो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें कल का इंसान हमें फिर आगे जिक्र होता है बनाया इंसान को एक ना पापा जैसे वाह एक पांच आया था तो नहीं इसमें ये खुदा का जिक्र नहीं है ना नमाज का है ना रोजे का है ना हज का है ना जकात का है ना फैज का कुछ जानते नहीं होते तो कहते कि मेरा रब कौन है, मेरा रब कौन है, एक रब है किस भी नाम से तुम्हारे रब एक रब पढ़ो बिस्मी नाम से रब कल तुम्हारे रब अब पूछते क्यों नहीं मेरा रब अब नबी ने नहीं पूछा नबी ने नहीं पूछा तो मालूम नहीं तो जाते कैसे हैं किसी किताब में लिखा पड़े किसी उस्तादों के पास किसी मदरसे में नहीं ना ये नबी की जान के पास इब्तिदा से इंतहा तक जाती भी है कि जब पढ़ा हाँ पढ़ो तुम्हारे रब के नाम से जब जिब्रील पढ़ो तुम्हारे रब के नाम से एक बार पढ़ो
silam patro kode na bismin naam se bismin tumhare rakhe tumhare rab ke naam se padha ho to wo rab ka naam kya hai kitne samjha abhi sa ko rab ka naam padha ho padho tumhare rab ke naam se to padho रब के नाम से तो मालूम यह हुआ अब रब के नाम से पढ़ना किसके नाम से रब के नाम से पढ़ना है तो नाम है ना उसका उसका नाम होगा होगा कि नहीं होगा मगर इन आयतों के वह नाम क्यों नहीं है क्यों नहीं आया पढ़ो तुम्हारे रब के नाम से अब तो पढ़ो तुम्हारे रब के नाम से तो फायदा पता नहीं है आपका नाम क्या है आपका नाम जिस सूरह हमें सरकार ने कहा जाए इन लवी आहू रब मुस्तफा को बताने इसे पढ़ने इतना सिस्टम मैंने आप लोगों के सामने रखा
لا الہ الا اللہ اللہ کو یہ ذات کو جب بولتے ہیں تو لا الہ الا اللہ جمع کیا یہ ذات اس کو پتا ہوتا ہے اگر اس کو پتا نہ ہے تو اسے کیا ہے وہ اسی سے سنتر تو اسی لیے ذات اللہ فرمان مصطفیٰ ذات مصطفیٰ فرمان خدا کا ذات مصطفیٰ ذات خدا کا فرمان مصطفیٰ تو مطلب یہ ایک دوسرے کی ذات بتا رہا ہے مصطفیٰ ذات اللہ کی بتا رہا ہے اللہ ذات مصطفیٰ کی بتا رہا ہے اب اللہ کے بتانے پر مصطفیٰ کے بتانے پر آج لوگ وزن کرتے ہیں تو توازن کو کس کا بلند ہے کس کا اونچا ہے کس کا وزن کس میں کتنا کم تبھی کون اس میں موسم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہی کہ اتنا ویزا برابر ہے کیا ہے ویزا برابر ویزا دو پڑے ویزا ہو گئے جی بابا سو برابر ہے خرا کے ساتھ اللہ حق میں ابھی کوئی کمی پیشی نہیں کرے گا ابھی خدا نے کمی پیشی نہیں کرے گا اللہ تعالی کے مصطفیٰ اور اس کا حبیب تعالی کے خدا خدا کی تعریف اور ایسی ہستی کو سوچا سی ہے کہ خدا کی تعریف کر سکے کہ دونوں تعالی مصطفیٰ اور پیارے رسول کی تعریف اس کو کتنا کر رہے کتنا آدمی ہو کون سی ایسی شخصیت ہے جو مصطفیٰ کی تعریف کر سکے جتنا خدا کا تعریف مصطفیٰ کی تعریف خدا کرے وہی تو قرآن ہے اسی کا نام قرآن ہے پیارے رسول خدا کی تعریف کر رہے ہیں اسے تو نام کہہ نہیں سکتے سنوں اب ہم اس میں اکثر لوگ بولنا چاہتے ہیں ہاں اور کتنا ایک عرض پر ہے عرش پر ایک عرض پر ہے یہ عرش پر مگر عرش پر کسی کی نظر جاتی نہیں کوئی دیکھ نہیں پاتا تو مانتے ہیں عرش پر کا نظر جا سکتی ہے نہ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ غائب ہے اس لیے وہاں جا بھی نہیں سکتے دیکھ بھی نہیں سکتے وہاں کا کپڑا پہلے وہ بات نہیں آ سکتا سمجھ بھی نہیں آتا تو عرش پر عرش پر اگر کوئی وہاں نہیں جا سکتا نہیں دیکھ کرنے کی ضرورت نہیں مایوس مت ہونا کہ ہم تو کیا ہماری نظر بھی وہاں تک جا نہیں سکتی تو اس کو کیسے لے کر کوئی بات اس کو مایوس مت ہونا کیوں فرش پہ جو آگے آ رہا ہے فرش پہ جو آگے آ رہا ہے فرش پہ اس کا بسیرا ہے فرش پہ اس کا پتہ کر دے رہا ہے اسی فرش والے کو دیکھ لو تو فرش والے عرش تک جانے کی ضرورت نہیں فرش والے کو دیکھ لو تو فرش والے کو دیکھنے کے برابر ایک تصور بھی نبی نے سکھایا تصور تصور ایک ہوتی ہے تصویر دوسرا ہوتا ہے تصور تصویر الگ تصور سے اندازہ کیا جاتا ہے خیال کیا جو دماغ میں بسایا جاتا ہے تصور اب یہ تصور بھی سکھایا مصطفیٰ نے پیارے مصطفیٰ ایسا نہیں کہ یہ تصور ہم نے سکھایا ہم کو سیکھے تھے کہ ہم کیا بات تصور کیا جاتا ہے مصطفیٰ نے یہ تصور بھی نبی نے سکھایا عمر رضی اللہ عنہ ہوا رہا ہوتا ہے
जिसने मुझे देखा उसने तो मुझे से उसका हाथ देखो जो प्यारे रसूल ने सब कुछ सिखाया अगर किसी में कुछ पुस्तक कभी खामियां थी तो जाते मुस्तफा में नहीं अल्लाह इसमें अल्लाह अगर कोई कहे कि मुस्तफा को दिन में अल्लाह नहीं है तो उसकी शान है उसका इसकी शान है अल्लाह की जिस अल्लाह की बात करते हो सुबह शाम अल्लाह 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 करते करते चलते फिरते हो तो उसकी शक्ति इतनी बड़ी गुस्सा है अगर मुस्तफा को कोई वजन कहे या कमी वगैरह कहे या पूरा जो कुछ से कभी कमी नहीं कहे या कोई शान में कमी कुछ नहीं तो आप कैसे मुस्तफा करे क्योंकि शान मुस्तफा को मुस्तफा के नहीं है शान है अल्लाह अल्लाह कहते हो अल्लाह की इबादत करते हो उसकी शान मुस्तफा इसी को माफी करे इसी को माफी करे रद्दा करे अल्लाह अपने हबीब को इतना दिया इतना समावा इतना समाप कर रहे हैं मुद्दे में आवमी बनाकर जब सारे आलमों पर रहना बनाकर भेजा है कभी खुश करेगा ताकि उसी की उम्मत कभी ना तलाश करे अगर उम्मत कभी है जिस नबी की तलाश करे तो उस उम्मत में भी रहमत आलम है उसी नदी की कमियां उसी नदी की शानों मुस्ताकी करे तो फिर वो नदी बड़ी हक देता है फिर उस नदी की रहमत उस पर कैसी जब रहमत उस पर नहीं है तो फिर अल्लाह रहमत लिल आलमीन कहते हैं तो वहां सलमान भाई लारा रहमत लिल आलमीन
the parts. Can it be? Only six? Only seven? The body is not here. सबसे ज्यादा सबसे अच्छा अल्लाह को याद करने वाला तो आप ही जिहाद में भी पहले थे नमाज में भी पहले थे रोजे में भी पहले थे अदाब सखा में पहले थे सबसे आगे रहने वाला लिबास में भी जोर को सुबह में भी मगर फिर उसे अल्लाह अगर कहेंगे तो हमारे नबी ने उनको अपनी मस्जिद से निकाल दिया नाम ले लेकर جو آپ نماز کا سہارا لیتے ہیں مدد مجھے کہنے نماز کی ہوگی تب روزے رکھو جو روزے رکھو قرآن پڑھنے والا کیا کاری نہیں تھا سب کچھ تھا مگر نہیں تھا تو صرف ایک عدد مصطفیٰ تھا صرف ایک عدد مصطفیٰ کی بدولت اس کا قرآن گیا نماز گئی روزہ گیا حج گیا چلے گئے کہ منافق بن کر کافروں سے بھی پچھلے درجے میں چلا گیا جہنم کیونکہ کافر بھی بخشا کرتا ہے جنت مگر یہ منافق نہیں بخشا کیا ہے اس کو کیا وہ اللہ اللہ نہیں ہوتا بے شک ہوتا سب سے وہ کیا نہیں تھا اس کے پاس یہ عدد مصطفیٰ خدا اس کے اعمال کو نہیں دیتے صرف عدد مصطفیٰ وہ جاتا یہ کاموں کو جاتا کیونکہ یہ باتیں بھی ایسے ہی لوگ کرے ایسے ہی لوگ کرے کرے جو فاتحہ سے سب سے زیادہ یہودی اور عیسائی کی پڑھا لفظ لفظ ریسرچ کرتے ہیں جتنا قرآن کا حکام ہم نہیں جانتے اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں یہ کیونکہ اللہ نے یہودیوں کو بہت بڑا ٹیک ہوم کر دیا اتنا ٹیک ہوم کو وہ صرف ان میں ظاہر ہی نہیں ہے وہ باتوں کو بھی جانتے ہیں نجو بھی کو جانتے ہیں اور ایسے ایسے علماء ہیں انہوں نے اسی لیے دعویٰ کرتے ہیں جن کا کلمہ سارے انبیاء پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں وہ کلمے والا حوال میں آیا تھا ان کے ہمارا دین سب سے بڑا تھا یہ میرے بزرگ کا سب کو دیا خدمت دیا علم دیا مال دیا دولت دیا سب کچھ دیا مگر ایک نبی ہمارے ہزاروں نبیوں کو دیا مگر نبیوں کا نبی ہمارے غریبوں میں دیا ان پڑھوں میں دیا وادیوں میں دیا ریگستانوں میں دیا بس جہاں دولت ہے جہاں علم ہے کیونکہ ایک مولا اعتراض کرے گا دولت والا پکڑے گا پوری دنیا میں وہی عالم ہے کہ پوری دنیا
सारी दुनिया पे हुकूमत करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो क्यों किसका सपना है? हमारे हमारे जब सबका लेने वाले आला होते हैं, लेने वाले मगर अफसोस इस बात का है कि अपने नाम का सदका लुटाने वाला उसको आला बना दे। वही नबी जब जात बनकर हमारे यहां के लिए, वही नबी जात बनकर हमारे यहां के, हम उस नबी की सदका सदका हम ले। तो उन्होंने कुछ कुछ कौशल जिनके नाम का सदका कर रहे थे वो साहब उनमें भी हमारे में है, तो तब से वो दुश्मन, तब से वो दुश्मन बन। तो उस वक्त से उन्होंने साजिशें करना शुरू किसी न किसी तरह। अभी जितने भी आपस के करके जमा हो जितने भी ये हैं ये साजिशें हैं, उनकी ईसा करते ये किसने कहा? पाकिस्तान वालों किसने कहा? क्योंकि हमारा नबी तो पाकिस्तान वाला है, नबी क्या है? पाकिस्तान वाला है, हमारा नबी पाकिस्तान। और नबी कितने भी चाहने वाले हैं किसका पाकिस्तान वाले अब उनको ना जुटा सके ना मार सके ना मिटा सके, तो कह दिया उन्हीं में से उन्हीं के लोगों को जुटकर उन्हीं के खिलाफ खड़ा कर दिया। पाकि मुकाबले बेटा बेटा भाई के विभाग कानून का कान पड़ोस कानून पड़ोस उन्हीं में उन्हीं को लगा ये अलीदा हो। यही सारी की सारी जितने भी हैं जो भी फिरका उठा हो जो भी जवान ये सुख का मंशा और ये सुख का बयान और सुख का दर अपनी जगह बहुत अलग 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 है, मगर सुख का फैसला सुख का निशान सिर्फ एक ही जमात पर है जो जमात पाती है। सुख की चाह जगह अलग है, मगर ये सुख 300 नशानों में जाए जितने भी लोग हैं सुख के तीरों का निशाने के सामने कौन खड़े हैं? सिर्फ पाकिहा वाला। तो पाकिहा वाला में ऐसा क्या देखा क्या है उनमें पूरी सबका निशान उन्हीं की तरफ है? तो ये नहीं जानते कि बाप दादा नहीं जानते, मगर इनको जो चला रहे हैं यहूदी ईसाई करते हैं ये फातिहा वाले टपक होने वाले हैं। जब तक इनके पास फातिहा रहेगी तब तक वो सलामती के साथ, जब तक फातिहा रहेगी कब तक रहेगी? उस वक्त रहेगी सुबह में खाया है। आप लोगों के मन में भी क्या दिमाग सुना है खुद के ख्याल में ये भी फातिहा वाले हैं, ये भी फातिहा वाले हैं। किसी कुरान की आयत की नस या किसी हदीस या किसी रिवायत के कारण में ये नहीं फरमाया गया कि वो किसी जमात से होंगे, मगर यही कहा कि वो आले मुस्तफा से पाकिस्तान वाले हो। एक दिन में सारी दुनिया में अमन पैदा करें, अमन के झंडे उनके हाथों में लहराएं, कौन होंगे वो? अब कहां कहां किस किस से पाकिस्तान से रोकते हैं, तो ये क्या बगावत नहीं है इस्लाम से? अपने घरों में रखते हैं, पड़ोसी उठते हैं, दोस्त अगर अक्सर लोग कहते हैं कि कुरान में ये नहीं है, असल ये तो कुरान पढ़ेगा, अगर पढ़ा
समझता इसीलिए तो कहता हूं कि शैतान से दो चीजों से डरता है एक फातिहा से एक फातिहा एक फातिहा से अब इन दो चीजों से जो लोग डरते हुए नजर आते हैं जान लो या तो वो शैतान में है या शैतान के खेले हैं वरना तो डर क्यों चेहरे बदल जाते हैं चेहरे के तेवर बदल जाते हैं पिशानी में बल आ जाता है आता था कैसा तो क्या गया इतना बिंदा इसलिए कि टाइम नहीं क्योंकि इसमें बरकत है रहमत है मोहब्बत है ताक है मुआफ़त है रब की शान है मुस्तफा की शान है इसमें सीरत है रास्ते सिलाते मुस्तकीम है दुश्मनों से बागियों से बचने का जरिया है इसमें ताबेदारी है निस्बत है रेफरी है किसी में इताअत है इतनी चीजें इसके अंदर अगर तुम हटा करते फातिहा को हटा के हटा देंगे तो ये सारी चीजें तो हटे हैं तो फिर इताअत किस चीज का नाम जिसका नाम था तुमने समझ लिया सामने कोई चीज नहीं होगा लड़के के बारे में पूछे कोई ना कर दिया अरे ये तो किसान सवाल ये तो उसका नाम है उसका सुनत नहीं क्योंकि सुनत हो तो आई हो मर जाते ये मेरे मुस्तफा का कर्म है सुनत है तो मर जाते पांच लोगों को नहीं पचास लोग के लाना होता कहां से लाते बस में फरज भी नहीं फरज हो कितने भी पहुंच जाते बस में पंजगाना फरज अदा करने के लिए कुछ बार हुआ है आप ये करेंगे सुनिए हमारे हरी का सरल दुआ बेहतरीन दुआ क्योंकि सूरह फातिहा का इतना फातिहा दुआ रब से दुआ करने का तरीका सबसे अफजल तरीका फातिहा है रब से मांगने का तरीका सबसे अफजल तरीका फातिहा है अब लॉजिकल बातें लोग अक्सर करते हैं नादान जो कुरान और हदीस को नहीं मानते जैसे सुन सुनाई बातें कर देते हैं कि लोगों को फंसाने की लोगों को पटाने की गुनाह करने की बातें आजकल ऐसी बात घरों में औरतों में भी ज्यादा फैलती है औरत घर को जीनत जन्नत बना देती है बनना चाहती ऐसी बातें ज्यादा हो फिर फातिहा जब उसे नमाज में पढ़ने बाद में बाहर में तुम्हारे बाप ने कहा ये कोई हदीस में नहीं ऐसा फिर साहबा का आवाज साहबा में नहीं था नादा थे सवाल नहीं तो देखा हमने जानते हैं साहबा किस सहाबी को जानते हैं क्या ये तो सहाबी खुल पाया बात का अच्छा प्रमुख बच गया ये असहाबे बदल को जानते हैं असहाबे बहुत को जानते हैं कितने सहाबे को हर सहाबी सितारे का मालूम है असहाबे का मालूम नहीं मेरे सहाबा सितारे कितने सहाबा को जानते कितने सहाबा तरीका देखा कितने सहाबा की सवाल पढ़ा है बता दोगे जब नहीं पढ़े नहीं जाते बोले तो हक पैदा नहीं असल बोले हक नहीं जब एक रास्ते से मुस्तफा जाते थे एक रास्ते से मुस्तफा जाते थे झाड़ियों के बीच जब उस रास्ते से निकलते वापिस पीछे जब पहले उसमें जाते थे तो उन झाड़ियों में उस झाड़ की तरह एक कांटा सरकार के लिबास को लगा इसको लिबास को लगा तो प्यारे रसूल ने उसको छोड़ा निकल गए क्या है
इसके अंदर क्या थोड़ा अंदर निकल सर अब पीछे सावा है पूरे जाते हो तो ये काम पूरे सहाबा को करना है मगर मैं सिर्फ एक सहाबा को देखी बस ये तो हो गया चले निकले जो सरकारी दवाओं से लाभ उठा रहे सब के पता होने कई दिनों के बाद फिर ये रास्ते से गुजर हुआ रास्ता छाड़ी में नहीं छाड़ी के बाजू में भी रास्ता था जबकि उसको अपने पतना था जब झाड़ियों के बाजू में रास्ता था तो सारे सहाबा बाजू से एक सहाबा की छाड़ी में घुसे सहाबा में नहीं था बड़ी आसान है बात कह देने के लिए नादान पढ़ लो जाके हो गवार किसी बातें कह कर दुकान कर देते हो तो बदमिला पैदा कर देते ईमान में गलत आते कैसे सहाबा से सीखना है तो सीखो क्या है उसी खाने के मुझे थोड़े से निकल गए मगर आटा नहीं लगा भान अल्लाह फिर रुक गए देख के पड़ गए फिर वापस दूसरे घुमाए कर फिर उसी रास्ते से निकले उसे निकल गए जो सहाबा है देख कर ये तमाशा देख रहे क्या करेंगे दो बार तीसरे बार आया
बगदाद गए, मदीने से तुम्हारे पास नहीं है, मदीने से आया बगदाद में, बगदाद वालों का सर का नहीं चला। इनका जो बंदा से मदीने से निकल कर पसंद होगा और वहां से निकल कर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो आता नहीं है लगता नहीं है। आज के हिंदुस्तान में सहाबा आने का कंसिडर करते हो, आपके हिंदुस्तान में नहीं, तब के हिंदुस्तान, तब तक हिंदुस्तान आज तक आ रहा। आज का जो हिंदुस्तान है यहाँ सहाबी नहीं बनते, सहाबा औलिया उन्हीं का सबका है, समझ में आ गया। अब उनमें मैं कहा हमें कि मैं कहा जाए बढ़िया रहता है बहुत, मगर याद रखें जब वो अनपढ़ तो अनपढ़ में भी हमारा नबी आ रहा है, उस वक्त इल पना करने वाले इल वाले यहूदी थे, हमारा नबी में आया तो मानो पास तुम्हारे पास भी कितना बढ़ गया है, भी तुम्हारे लिए नहीं है, हम अनपढ़ है तो बेटा नबी हमारे हमारे अनपढ़ों में आया। हम पढ़े किसान किसान लोगों को पटाना फंसाना गुनाह करते उलझनों में डाल, मगर याद हमारा नबी पाकिस्तान वाला हम सब आयु भी पाकिस्तान वाले के लड़ेंगे, पाकिस्तान वाले हर मुश्किल का सामना करेंगे, उसे पाकिस्तान वाले हर परेशानी का सामना पाकिस्तान वाले, और जान कुर्बान होने की बारी आई तो सबसे पहले पाकिस्तान वाले रहे। इसीलिए तो दुनिया डरती है पाकिस्तान वालों से, किसे डरती है पाकिस्तान वालों से, तुमसे डरती है मुश्किल पर नहीं, लेकिन पाकिस्तान वाले अल्हम्दुलिल्लाह सारे दुनिया में सबसे बड़ी जमा सवाल याद रखो पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में यहाँ वो क्या देखा है, पाकिस्तान में दुआ है क्या देखा, इसको तो पढ़ा है कहीं देखा, मेरे लगे दस्तरखान पर बैठ कर बगैर दुआ करने देखा है। अरे वो खुद फातिमा वाला है तो वो पाकिस्तान किसको दिलाए, ये बात मतलब क्या है, ऐसी बात कहते हैं लोगों को क्या है, अनपढ़ नादान लोगों को फंसा दे, नबी ने दिलाया, नबी ने दिलाया खुद पाकिस्तान वाले, खुद क्या है पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान वाले वो पाते हैं किसकी, उनकी दुआ ही हमारे लिए बन रहा है, उनकी दुआ ही बन रही है, दुआ ही रही, समझ में आप लोगों ने सुना है हमारे लिए की दुआ की बात, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के प्रकार खाना ये कर रहा था, खाना ये कर रहा था, उस ये के खाने में दुआ के तहे में उसका बात करता कर्मियों में दुआ के लिए हाथ रखा। अब दुआ जब नबी करते हैं हम लोग करते हैं सुना है पढ़ा है हमारे बेटे की दुआ की बिना खाने में दिलना है रबी आलम से बोल हमारे बेटे की दुआ है क्या है, यही पता क्या है, और दुआ के जो बागे डाला ना ये लेकिन 1500 से ज्यादा खा रहे हैं क्या ही कहा, क्योंकि वो खुद पाकिया वाला, और लोग कहते हैं कि पाकिया खुद पाकिया वाला पाकिया नहीं खिला रहे हैं, अगर शैतान भी पाकिस्तान मिला दे मूवी पसंद इसीलिए उड़ता है पाकिस्तान, कहीं पाकिस्तान मुझे मुसलमान ना बना, कहीं पाकिस्तान मुझे मुसलमान ना बना, इसीलिए तो उड़ता है पाकिस्तान। सुने के लिए सुनिए, जब हमारे नबी मियां को तशरीफ लाए तो आधा मियां को छोड़ कर कहे था सबको बुलाया, सबको था, सब खेले आ गए, आदत के जमाने से जितने भी थे सब जमा, रोता था, सीता था, क्या बात है, हमारा बोल रहा है, हमारा दादा रो रहा है,
करुणा बरस के आंसू हमारे मुल्क हर एक परेशान हो रहा है अल्लाह का बात होता है इस वजह से इस वबा से इस मुसीबत से हर एक की हिफाजत होता है मगर बचने और बचाने के तरीके के बारे में इन तरीकों पर अमल करो और घबराओ अगर लोग बेजान मत रहे यूं समझिए कि उनके इस लोगों का सही बात अल्लाह उनका मुकदर कर मगर जब मुसलमान लोग इस बीमारी से इस वबा से तो समझो वो शहीदी मतलब इस मजहब में आकर अगर कोई इंतकाल कर जाता है उसको शहीदों के लिए ना वबा से मत बीमारी से मत वबा से एक गिरतर मत या चक्कर अचानक मत किसी हादसे में मुबला होता समझ जाना दुश्मन के वास ना हो ये सब के साथ में शहीद होते हैं और ये जो वबा है इससे बचने के तरीके ही अल्लाह तबारक व तआला की आप सुनते हैं अगर अफसोस से हम नहीं पाता हर मुश्किल से मुश्किल चीज का हल इस्लाम किताब सुन्नत मगर हम उसे लेते हैं ना अपना में हमारा उस पर काम और दिस ये जो सारे आलोक के लिए सिखा मगर वक्त उतना उससे बदकर तो रहमत को सिखा ये शर्त है ईमान वाला क्या है ईमान वाला अब उसी कुरान मजीद देखकर उसी कुरान की कुरान मजीद शिफा है शिफा भी शिफा भी ऐसा नहीं कि कुरान से हिदायत शिफा की हिदायत की रहनुमा की रहनुमाई की कर रहबर की सिरात मुस्तकीम भी है क्या नहीं है कुरान जिंदा मौजजा है उसका तो या हर बीमारी को वबा और बला से बचने की बेहतरीन जरिया बताया उसके अंदर आयत शिफा क्या है आयत शिफा आयत शिफा शिफा मगर कोई इंतकाम नहीं होता क्यों उसने शर्त रखी गई मोमिन तो उसी आयत चलो बताएंगे जब इस बीमारी का सामना होता है इसके आसार होते हैं इसके आसार होते हैं सबसे पहले खांसी वगैरह सब दूर होते तो देखना सबसे पहले ग्यारह बात करो खुद को किसी से पढ़ो और पांच पांच करके यहाँ पर और 360 आयते शिवा फिर 11 शुरू कर जैतून का असली पेड़ और उस पर दम कर और पानी पर दम करे और वो तेल दो दो कटे दानिया बांधे दो दो कटे टक्का सुबह दोपहर अगर रोजे के हालत से तो इस सूरत हाल की इस बीमारी की दिक्कत से कम पड़ सके वो रखना मसला नहीं है हालत बीमारी होगा कम रोजी के हालत में है सिलेरी के वक्त आ सकते हैं या करते हो करें तो तीन बार नकली में जिसकी वजह से बल और खांसी
और जो जरासी फसलती देवी फिर चले जाते हैं। ऐसा मुसब से तीन ज्यादा से ज्यादा सात पसंद है। हम नहीं कर सकते या किसी पढ़ने वाले से। अब आइए वो आय की शुपा क्या है, तो आय की शुपा ये होती है सबसे पहले जैसे कहा ना ग्यारह बार दर्जे शरीफ पाँच बार सूरत फातिहा 307 वो है या शाफी और उससे और ज्यादा
सर्दी में क्या रेफरेंस खांसी क्या है, सर्दी से आप रेफरेंस बताना उसका थोड़ा थोड़ा इतना ही है, यकीन ये कमना तो बढ़ाएगा मगर क्या है चर्बी भी उसके साथ साथ बढ़ेगी और गोश्त वगैरह ये भी खाना बढ़ाएगा मगर उसके साथ साथ गोश्त भी बढ़ाएगा। इस तरह हम हम बढ़ा कर खा खा कर क्या करते हैं और भी बस में मुबला ऐसा नहीं हो पाता और खाने से भी ज़्यादा क्या जितना तुम पेट को खाली रखोगे उतना अंदर तुम्हारा एंटी यानी कि गलत को मारने वाला एंटी डोज पैदा होता है। बात को अच्छी तरह समझ ये फैक्टिंग डॉक्टर वगैरह भी जानते हैं मगर कहते हैं ये तो मुझे नहीं तुम इसीलिए मेरे रसूल फरमाते हैं आधा पेट खाओ दो पेट खाली दो पेट खाली सांस अच्छी तरह से हम इतना खाते हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सब्जियां मगर बिल्कुल कम पेट को हमेशा खाली रखो जितना पेट खाली होगा जितना पेट खाली होगा कि कुदरत ने बदतलासुन यानी बुरे तलासुन को मारने के लिए ऐसे अच्छे तलासुन हमारे दोनों को तासीर रखा पेट खाली हो तो माता जो हमारे अंदर बैठ खोल काम करती वजह ये सब खींचेगा सो क्या है ये सब बीमारी तो इसी से पैदा होती है। उनके साथ होता है उनको गाढ़ा बनता है और सच ऐसा तो वही को बीमारी बन जाती है नसों की बीमारी और फिर के दौरे ब्लड प्रेशर वगैरह ऐसे होते हैं लोग लो है भाई अगर हम नहीं जानते सुन तो पेट को खाली रखने से पेट को सब पूरा बाधा खींच तो उसके क्या है एंटीडोज लगा दो कि बाहर के एंटीडोज से अक्सर तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे खून से जो बनते हैं ये बहुत ताकतवर बहुत कुवत वाले अल्लाह ने ऐसा एक एग्जाम रखा है इंसान के लिए खून के अंदर मादे के मगर हम उसे खाली रखना नहीं चाहिए। अक्सर लोगों के पास क्या है डालो 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 बहुत बना को जोड़ तो आता है और तो किसी को खोने वाले नहीं है इस बात का भरोसा करेंगे हम खाएंगे तो जिएंगे नहीं खाएंगे तो मरेंगे इस बात का भरोसा खाने वाला भी मरेगा नहीं खाने वाला भी मरेगा उम्मीद मरेगा कभी भी मरेगा मौत के आगे कोई नहीं कर सकती कि मौत तो दस्तक है कि अल्लाह की तरफ से बुलावा उसका वक्त मुहैया मतलब ये उम्मीद न रख मगर जो हिफाजत जान हिफाजत जान अल्लाह है हाफिजा अल्लाह ही की बेहतर हिफाजत कर रहा है उसके लिए तरीके क्या है तरीके ऐसा नहीं तो बात तब लेकिन अब तो हमने सब्जियां वगैरह खाना भी शुरू होती लेकिन सब्जी में बहुत बड़ा क्योंकि हमारा तो रसोई खाना घर खाना किचन मतलब ये रसोई जो मतलब ये किचन ही हमारा बेहतरीन शिफा खाना बेहतरीन क्या है शिफा खाना हम पहचान नहीं पाते लाल कुछ काम करें अरे मुझसे अफजल बात लाल प्याज का सब्जियों में इतना पत्ता पाना था गाजर शलगम ये सारे की सारी चीजें क्या है बेहतरीन शिफा है बेहतरीन शिफा और इसी तरह नींबू संतरे मौसम में जिसके अंदर विटामिन सी होता है ये भी बेहतरीन इसके लिए क्या है पैदा करने में सबसे ज्यादा विटामिन सी और अब इसमें जो दवाइयाँ होते हैं इसके अंदर भी विटामिन सी ज्यादा दिए जाते हैं तो क्या तो खाने के लिए तैयार है मगर सब्जियां खाने के लिए तैयार है फसल में दवाएं बोलो खाना खाए तो खाए ना खाए ना खाए मगर दवाइयाँ बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि दर्द होता है खाते हैं दवा
सोचना कि हयात करना छोड़ मौत और हयात कुदरत के हाथ हम कितना बचना चाहेंगे जबकि हमारा वक्त मुहैया हो गया नहीं बच सकते अगर से कोई कह दे कि मर जाते हमारा वक्त व्यंगी नहीं है मरेगा तो डरना किस बात का मरेगा तो मरेगा जाए तो कहाँ जाए तो उसकी बात ना जाएंगे दुनिया के झंझट से ना छोड़ेंगे और दूसरी बात ये तो जिसकी रजा बीमारी अब रोना की रजा करते अस्तबाल किया और हर अस्तबाल करते हुए अपने बीते हुए दिनों की याद गुनाहों की याद खताओं की याद करते हुए एक पछतावे के साथ अस्तबाल किया जितना अस्तबाल ज्यादा करेंगे उतनी तुम्हारी रोहानियत को और किस अस्तबाल अस्तबाल नज़ी या इलाह इल्लाहु हय्युल क़य्यूम और ये अस्तबाल रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैही कसर के साथ जितना कसर के साथ करेंगे तो किसके फायदे बहुत ये फायदा है गुनाहों का कफारा होगा ये फायदा रूहानियत समझे कभी तीसरा फायदा कर्जदारी से जान छूटी जब कर्जदार हूँ किसी का तो ये कर्ज अदा होगा और चौथा फायदा दुश्मनों से हिफाजत होगी पांचवा फायदा मगफिरत को मिल जाएगा सामान दरिया होगा अस्तबाब क्योंकि हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर दिन अस्तबाब के ऐसे साथ पांच साथ अस्तबाब पढ़ने को पढ़ते इसलिए कि अस्तबाब के कस सबब किया और ये दिन ही रोज़ा से बचने के लिए अब ये दिन निकल गए फिर आइंदा साल मिले न मिले जितना हो सके तौबा करो अस्तबाब कसरत करो और जरूरी कसरत करो और जैसा कायदा तो बताया यानी आय को सिफा था और इसको जानकर पढ़कर और जो जो सीखे करोना वायरस से बचे ना जो भी बीमारी ऐसी भी बीमारी हो हर उस पर इसका अमल कर सकते हैं इंशाअल्लाह तबारक ताला الله يرضى عنك وعن الله يرضى عنك